हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आपने टिटरी का नाम तो खूब सुना होगा, हमारे इधर इसको टिटोड़ी बोला जाता है। ये टिटरी जो होती है वो खेतों में अंडे देती है, और अगर उसके तीनों अंडे ऐसे सीधे खड़े रहे, मतलब ऐसे पोजीशन में रहे, तो ऐसा कहते हैं बहुत बारिश होती है, और अगर ऐसे डाउनफॉल में रहे तो मान के चलिए कम बारिश होती है, ऐसे गाँव के लोग कहते हैं। अब जब ये खेत में देती है तो उस समय क्या है, कल्टीवेटर निकालना होता है, ओढ़ने का काम होता है, यानी कि बुआई का काम होता है, तो इसके अंडों को बचाकर चलना पड़ता है। मैंने भी कल परसों इनके अंडों को बचा कर चला, कल्टीवेटर निकाला, और जब मैं परसों तो ये अंडे ही थे, लेकिन अब उन अंडों से चूजे बाहर आ चुके हैं, यानी कि बच्चे बाहर आ चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब मैं उसके पास खड़ा हूँ, उन बच्चों के पास, तो जो उसकी माँ है टिटरी, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही है, यानी कि वो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं आकर हमले भी करने की कोशिश कर रही है, ऐसे टीचने की कोशिश कर रही है ना, टच करने की कोशिश कर रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हो, अभी एक जो है वो अंडा बाकी है, ये बाकी तीन चूजे बन चुके हैं, ये बच्चे बन चुके हैं छोटे छोटे। ऐसे हमने कि ये डंडे लगा दिए ताकि यहाँ पर हम जब भी इसको एक तरह से कल्टीवेटर निकाले तब इनके बच्चे ख़त्म ना हों। तो ये उसकी माँ है, उधर देखो वो ऐसे पोजीशन में, जब वो ये रक्षात्मक तरीके से वो अपने पूरा पंख फैला देती है। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये ऐसे आवाज़ ही आवाज़ करेगी जब तक मैं यहाँ से दूर नहीं हो जाऊँगा तब तक। और एक उधर है उसके सपोर्ट में, एक उधर से आवाज़ कर रही है, यानी कि वो कह रही है कि यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो अंडा है, ये वाला अंडा है ना, देखिए वो किस तरह से बैठ जाती है, ऐसे ऐसे पंख फैला देती है। ये है उसका रक्षात्मक कवच बना लेती है, कहती है जब भी उसके बाद ट्रैक्टर निकलता है, जैसे मैं यहाँ से कल्टीवेटर निकाल रहा था, तो वो बिल्कुल अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है, और ऐसे बैठ जाती है कि उन्हें कहीं चोट ना पहुँचे, बिल्कुल जिस इस पोजिशन में बैठ जाती है जैसे अभी बैठ रही हो ये, और पास भाग के आ रही है, देखो ये है ना। तो ये जो अंडा देखते हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये मैं आपको बता दूँ, ये अगर ऐसे इसका ये जो चोंच वाली है अगर ऐसे ज़मीन में रहे तो ये मान के चलो कि बारिश कम होगी। अब तो ये क्या है, इन बच्चों की वजह से सीधा होगा, यानी तो ये जब अंडे देती है ना, या तो ऐसे रखे रहते हैं, मैं आपको बता, ऐसे उसकी चोंच ऊपर रहती है या नीचे रहती है ना। तो ये होता है, अब ये चूजे जो हैं, बच्चे जो हैं, ये बाहर आ गए हैं, और ये भी बहुत जल्द कह सकते हैं इसका बच्चा बनने वाला है, ये एक बच्चा हुआ है। ये चार अंडे देती है, और ये देखिए ऐसी पोजिशन में बैठ जाती है, ये अब बिल्कुल पास आ चुकी है मेरे, बिल्कुल पास आ चुकी है ये, है ना, ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे बच्चों के पास से दूर चले जाओ, यहाँ मत रहो। जब ट्रैक्टर चलता है तब इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे कवर के तौर पर बैठ जाती है, मैं आपको बता, ऐसे बैठ जाती है बिल्कुल पंख फैला कर, ये डर भी रही है कि कहीं मैं उसके ऊपर हमला ना कर दूँ, लेकिन बहुत अमेजिंग है यार, माँ तो माँ होती है रियलिटी में। तो ये है टिटरी के बच्चे, आपने नहीं देखे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये और बारिश का भी इसी से अंदाज लगाया जाता है कि बारिश तेज होगी कम होगी। गांव के लोग लगाते थे पहले, और अभी भी कहते हैं कि अगर टिटरी के बच्चे जैसे पोजीशन में रहेंगे वैसे बारिश होगी। ये आप देख सकते हो इसकी माँ, गजब, देखो तब से वो, देखो वो ऐसे बैठ जाती है, ऐसे पोजीशन में बैठ जाती है, वाह। चलिए उनको परेशान न करते हुए, ये उड़कर भी आई थी, ये हमले भी कर सकती है अगर आप सावधान न रहो तो, यानी कि आपको आपकी आंखें टीच सकती है, आपकी आंखों पर अटैक कर सकती है। देखिए मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक चुप हो जाएगी, ये मैं बहुत दूर आ गया हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक चुप हो गई, और अब दो आ गई, यानी कि उसका हस्बैंड और वो दोनों आ गई वो, और अब तो तीन और चार हो गई वो, यानी आसपास की पड़ोस वाले लोग भी आ गए, अब देख लो चुप हो गई, वो समझ गए कि बिल्कुल प्रोटेक्ट है, नो इशू।